हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टक गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फायरबोल्ट की एक और नई स्मार्ट वॉच लॉन्च होने जा रही है, जिसका नाम है फायरबोल्ट लेजेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, लॉन्च डेट और प्राइस को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आती रहता हूँ। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्ट वॉच भी आपको लग्जरी लुक में देखने को मिल जाएगा, यानी ये भी आपको सर्कुलर डायल शेप में मिलेगा। फुली बॉडी जो है आपको स्टेनलेस स्टील की मिल जाएगी और यहाँ पे सिलिकन का भी ऑप्शन जो है मिल जाएगा। और इसमें आपको दो बटन मिलेंगे, दोनों यहाँ पे सर्कुलर दिए गए, लेकिन एक आपको क्राउन वॉकिंग दिया गया और एक यहाँ पे टैप बटन दिया गया। तो ओवरऑल डिजाइन आपको वही इनविजिबल प्लस वाली देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें भी आपको 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया, 466x466 का पिक्सल का सपोर्ट मिल जाएगा, 600 nits का पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाएगा। और इस स्मार्ट वॉच में भी आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट जो है दिया गया, साथ ही साथ में कुछ यूआई का भी सपोर्ट जो है मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले साइज और क्वालिटी भी आपको इनविंसिबल प्लस वाली ही मिलने वाली है। अब बात करें इसके हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग के बारे में, तो इस स्मार्ट वॉच में भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर दिया गया, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टैक्ट से कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट मिल जाएगा, तो कॉल वगैरह से इस स्मार्ट वॉच से भी आप बात कर सकोगे। हेल्थ ट्रैकर्स को देखा जाए तो SPO2, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप, ब्रीथ स्टेटस और फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का सपोर्ट इसमें भी मिल जाएगा। स्पोर्ट्स मोड को देखा जाए तो 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड इस स्मार्ट वॉच में आपको मिल जाएंगे। वाटर रेजिस्टेंस को चेक किया जाए तो IP68, यानी हल्का फुल्का पानी पसीना बौछार वगैरह लग जाता है तो चल जाएगा। 7 to 10 days का नॉर्मल बैकअप दिया गया। ब्लूटूथ कॉलिंग और EOD को हैवी यूज करोगे तो एक दिन यहाँ पे बैकअप निकल कर आ जाता है, लेकिन इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर जो है मिल रहा है, यानी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। बात करें इसके अदर फीचर के बारे में, तो इसमें भी आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाएगा, इनबिल्ट गेम का फीचर दिया गया, साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट का सपोर्ट जो है इसमें मिल जाएगा। बाकी स्मार्ट फीचर और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट तो इसमें भी दिया गया, सोशल मीडिया का जो भी नोटिफिकेशन आता है देख सकोगे, कैमरा, म्यूजिक, टॉर्च, अलार्म, DND, वेदर फॉरकास्ट जैसा फीचर इसमें भी दिया गया। ये कुछ फीचर मिल जाएगा इसी फायरबोल्ट लेजेंसी स्मार्ट वॉच में। प्राइस देखा जाए तो कंपनी ने इसके प्राइस और लॉन्च डेट को रिवील नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी और फीचर मिले उस हिसाब से इसकी भी प्राइस 3500 रुपए जाएगी, उससे कम तो नहीं जाएगी। और लॉन्च डेट देखा जाए तो ये आपको 21 मार्च तक लॉन्च कर दिया जाएगा या 21 से 25 जा सकता है, और ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पे लॉन्च डेट और प्राइस कंफर्म होती है, मैं शॉर्ट वीडियो तो फिर से अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट अनबॉक्सिंग। जय हिंद।